ब्रह्मास्त्र, महाभारत में ब्रह्मास्त्र को कहा गया कि वो एक ऐसा सिंगल अस्त्र है, सिंगल शस्त्र है, जिससे पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह तहस नहस किया जा सकता है। तो मैं जो है ब्रह्मास्त्र का यूज़ करूँगा आज एक पॉलिसी टूल की तरह, जिससे कि हिंदुस्तान का जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। पर पहले मैं आपको एक कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा। देखिए, 2008 में जब लीमन की बैंक्रप्सी हुई थी अमेरिका में और अमेरिका का सबप्राइम मेल्टडाउन हो गया था, उससे जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से थम गई थी, रुक गई थी, डिसलोकेट हो गई थी। उस वक्त वेस्टर्न इकोनॉमीज तो काफ़ी कोलैप्स कर गई थी, चाइना जो था बहुत उसकी ग्रोथ कम हो गई थी और ऑयल $150 प्रति बैरल तक चला गया था। तब की यूपीए सरकार ने एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, उसने एक बहुत भारी स्टिमुलस दिया इकोनॉमी को, जिससे इकोनॉमी मैं कहूँगा बची रही। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो 5% हो गया जीडीपी का, इन्फ्लेशन महंगाई जो थी वो 8% बढ़ गई, रुपया जो था वो गिर के ₹62 $1 का हो गया और जो इंटरेस्ट रेट्स थे इकोनॉमी में वो बढ़ के 8% हो गए थे, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी थी वो बची रही थी। अब आई मोदी सरकार 2014 में, तो अगले 4 साल उसकी बहुत ही एक अच्छी चार्मिंग एग्जिस्टेंस रही, क्योंकि देखिए ऑयल जो था वो गिर गया $30 पर बैरल, 100 से ऊपर, 150 से $30 पर बैरल गिर गया। अमेरिका जो था वो फिर से ग्रो करने लग गया और 3% एनुअल ग्रो करने लग गया, जो कि अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। यूरोप जो था उसका जो लग रहा था लोगों को कि अब यूरोप एकदम तहस नहस हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ, यूरोप स्टेबलाइज हो गया और चाइना फिर टर्न अराउंड करके थोड़ा बहुत हायर ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री पे चला गया। और इतनी बिनाइन एनवायरनमेंट यानी कि इतने सुखद हाल में हिंदुस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमी थी वो भी अपने आप रिपेयर हो गई, वो फिर से ठोस हो गई। फिस्कल डेफिसिट जो था वो 3.5% हो गया जीडीपी का, इन्फ्लेशन 5% से नीचे चली गई, अमेरिकन डॉलर्स जो थे वो बहुत तादाद में हिंदुस्तान में आने लग गए और जो 10-year ट्रेजरी 10 साल का जो सरकारी बॉन्ड है वो 7% से नीचे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जैसे नेपोलियन का कहते थे कि मेरे को बताओ मेरा लकी जनरल कौन है, कौन वो आदमी है जिसका जिसका जो तकदीर इतनी अच्छी है। तो मोदी जी को हम नेपोलियन का प्रोवर्बियल लकी जनरल कह सकते हैं। पर उसके बाद आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 2017 और 18 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका के टैक्सेस को बहुत ज़्यादा काट दिया, उन्होंने अमेरिका के डेफिसिट को इतना बढ़ा दिया जबकि अमेरिकन इकोनॉमी वैसे ही ग्रो कर रही थी। तो ये जब दो चीज़ें मिल जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाता है, तो ग्रोथ रेड हॉट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, वही अमेरिका में हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईरानियन ऑयल सप्लाईज को बंद करने की कोशिश कर दी है और वो ग्लोबल ट्रेड वॉर्स भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं सबके साथ। For many years, countries have been taking total advantage of the United States on trade. Whether they're allies or not, they looked at us really as a bunch of very soft touches. And that's not what's happening anymore. We're changing things and we're changing them fast. तो अब इसका प्रभाव हम देखें क्या हुआ कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 4% पहुंचने वाले हैं 4%, जो कि बहुत ही हाई माना जाता है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा हलचल हो गई है, या वो एशिया की हों, लैटिन अमेरिका की हों, वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो वापस अमेरिका जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान आज फिर एक मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस के एज पे आके खड़ा हो गया है। जो ट्रेजरीज हैं, जो सरकार के बॉन्ड हैं, वो फिर 8% से ज़्यादा हो गया है उनका इंटरेस्ट रेट्स। रुपया जो है वो तो आप ही देख ही रहे हैं किस तरह से गिरा है, 15% गिरा है और आज $74 से भी ज़्यादा हो गया था। ऑयल जो है वो फिर से $100 के आसपास मंडराने का थ्रेट कर रहा है और जो आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा स्टॉक प्राइसेस हैं जो कि एकदम बेयर ग्रिप में आ गए हैं, कितनी गिर गए हैं, 30%, 40%, 50-60% स्टॉक प्राइसेस गिरी हैं, जबकि पूरी मार्केट जो है वो 15% गिर चुकी है। तो मोदी जी जो कि किसी ज़माने में हम कह रहे थे कि नेपोलियन के लकी जनरल थे, आज वो ट्रंप के फॉल गाय बन गए। वो लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी ने उनको थोड़ा, जिसको हिंदी में कहेंगे कि अड़ंगी दे दी है। 4 साल की बहुत ही उनकी अच्छी खुशहाल एग्जिस्टेंस के बाद आज वो पहली बार एक बहुत ही अक्यूट इकोनॉमिक चैलेंज उनके सामने है।
तो क्या उनमें वो गम्शन है कि वो ब्रह्मास्त्र लगाएं, वो एक ऐसी पॉलिसीज, कई ऐसी पॉलिसीज निकालें जिससे कि वो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे पहले कि वो इतना बड़ा बन जाए उसको एकदम ख़त्म कर दें। मैं ये कहूँगा कि जो पिछले महीने हमने देखा है और जो उनके अफसर लोग हैं जो कि काफ़ी टिमिड और काफ़ी छोटी छोटी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्रह्मास्त्र निकलने वाला है। लेकिन हम तीन इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हो सकता है। अब क्राइसिस नंबर वन को लेते हैं, तेल यानी कि ऑयल। ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का सबसे वीक पॉइंट है। ये मोदी जी की सरकार का सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर भी शायद यही है, क्योंकि जब उन्होंने ऑफिस लिया था 4.5 साल पहले, तब हम लोग 77% अपना ऑयल इंपोर्ट करते थे। आज वो 6 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़कर 83% तक पहुंच गया है। और आप देखिएगा कि इस साल हमने 56% ज़्यादा 56% मोर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है पिछले साल के मुकाबले। हमारे जो $400 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें से लगभग 1/4 यूज़ हो जाएंगे सिर्फ ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री जो हैं वो जाके वर्चुअली प्लीड करते हैं, वर्चुअली उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं दुनिया की ऑयल इकोनॉमी से कि हिंदुस्तान को हेल्प कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीड करने से, दुनिया को कहने से कि हमें हेल्प कीजिए, दुनिया आपकी हेल्प करेगी नहीं, आपको खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आप देखिए, मैं कैरन का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये एक ऐसी कंपनी है जो कम से कम हमारे 25% 1/4 ऑफ हमारा जो हिंदुस्तान में क्रूड ऑयल बनता है वो उसको बनाती है, और यह कंपनी 85% अपने रेवेन्यू सरकार को देती है। तो आपको लगेगा कि इतनी ज़रूरी इंपॉर्टेंट कंपनी के साथ तो हिंदुस्तान की जो सरकार है बहुत फेयर डीलिंग करेगी, आपको ये बिल्कुल मानना जायज़ है कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमारी जो सरकार है उसने इसी कंपनी से $2 बिलियन का प्यूनिटिव टैक्स खींच लिया है, निकाल लिया है, जबकि उनका आर्बिट्रेशन केस अभी तक यूके में चल रहा है। तो क्या आप इसको टैक्सेशन कहेंगे या आप इसको एक्सट्रॉशन कहेंगे कि रैंसम हो रहा है, कि एक कंपनी को अननेसेसरली दबाया जा रहा है? ये मैं जजमेंट आप पे छोड़ता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि हमारी सरकार सिर्फ फॉरेन ऑयल कंपनीज के साथ ऐसा सलूक करती है, तो फिर आप याद कीजिए कि किस तरह से ONGC, जो कि सरकार की अपनी कंपनी है, ONGC की बैलेंस शीट से $6 बिलियन निकाले गए, $6 बिलियन, 35,000 करोड़ रुपया निकाला गया HPCL को खरीदने के लिए। और फिर देखिए किस तरह से सरकार ने अपनी जो एक फ्री फ्यूल प्राइसिंग की पॉलिसी थी उसको एक ही दिन में रोल बैक कर दिया। ऑयल कंपनीज को कहा कि आप ₹1 पर लीटर प्राइस घटा दीजिए, तो फ्री फ्यूल प्राइसिंग की पॉलिसी जो कि बहुत शिद्दत के साथ हिंदुस्तान की सरकार ने लगाई थी काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, वो एक ही साथ रोल बैक हो गई। और देखिए उसका जवाब कैसे मिला बाज़ार से, एक ही घंटे की ट्रेडिंग में बाज़ार में 1,00,000 करोड़ रुपए का पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज का वेल्थ जो था वो नष्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर दो का क्राइसिस। जो नंबर दो का क्राइसिस है वो है हिंदुस्तान का रुपया, जो कि ऑयल के साथ एकदम दे आर जॉइंट एट द हिप, एक साथ दोनों मूव करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल से, जब से ये फाइनेंशियल वित्तीय साल शुरू हुआ है, मोदी सरकार ने $40 बिलियन यानी कि 2,50,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया है रुपए की कीमत को बरकरार रखने के लिए, उसको रोकने के लिए। लेकिन देखिए क्या हुआ, रुपया रुका नहीं, वो 75 तक पहुंचने का आपको आशंका दे रहा है। ये पहले भी हुआ है एक बार 2013 में, जब UPA की सरकार थी तब उन्होंने $20 बिलियन खर्च किए थे रुपए को संभालने के लिए। लेकिन वो देखिए वो क्राइसिस के दिन थे, उन दिनों ऑयल ऑलरेडी $100 प्रति बैरल से ज़्यादा था। लेकिन आज जो हमारी मोदी सरकार कर रही है वो एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड है और वो इनफेक्टिव है, उससे कुछ होने नहीं वाला है। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि मोदी सरकार जो है वो NRI बॉन्ड्स क्यों नहीं फ्लोट कर रही है, क्योंकि अगर आप NRI बॉन्ड्स फ्लोट करेंगे तो $40 बिलियन 2,50,000 करोड़ रुपया आपको वहाँ से मिल जाएगा, जिससे आपको अपने जो रिजर्व्स हैं उनको ड्रॉडाउन नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो $40 बिलियन का NRI बॉन्ड एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, 2,50,000 करोड़ रुपए का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो लगता है कि सरकार ने तिजोरी में बंद करके रख दिया है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है।
अब मैं आता हूँ तीसरे क्राइसिस पे। देखिए जो ILFS का जो बार बार मार्केट में डिफॉल्ट हो रहा है कि वो कभी 20 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे हैं, कभी 100 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे हैं, बार बार वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, उससे एक बहुत ही भारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेजियन, हो सकता है। और उसके जो आसार हैं हमको अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ILFS डिफॉल्ट कर रहा है उसकी जो कीमत है, जो उसका पेपर की जो वैल्यू है, वो म्यूचुअल फंड्स को अब जीरो पे लिखनी पड़ रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं 10 करोड़ रुपए का मैं म्यूचुअल फंड हूँ जिसके पास 10 करोड़ रुपए का ILFS का पेपर है, तो मुझको वो 10 करोड़ लिख के नीचे करके जीरो करना है, क्योंकि ILFS अब डिफॉल्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि NBFCs जो हैं, जिनको ये अपने बैलेंस शीट पे हिट लेनी पड़ती है, वो लोग आगे पैसा देना बंद कर देते हैं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जिनको कि NBFCs से ही पैसा मिलता है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। देखिए ऑलरेडी सुपरटेक जो है वो डिफॉल्ट कर चुका है। अब जब सुपरटेक डिफॉल्ट करता है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग, जिसने उसको पैसा दिया होता है, उसकी कीमत, उसकी शेयर प्राइस 15% गिर जाती है अगले दिन। उससे क्या होता है कि दूसरे फंड्स का नेट एसेट वैल्यू कम हो जाता है, उन पे रिडेम्पशन प्रेशर होता है। हम जैसे ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, आप और मैं, जाके उनसे पैसा वापस मांगते हैं, वो फोर्स हो जाते हैं कि उनके पास जो अच्छा पेपर है, जो वैल्यूबल पेपर है, वो उसको बेचें, क्योंकि हमको पैसा वापस करेंगे। उससे जो है कीमतें फिर गिर जाती हैं, क्रेडिट जो है एकदम बंद हो जाता है इकोनॉमी, बाकी कंपनीज और कंपनीज डिफॉल्ट करना शुरू कर देती हैं, मोर राइट डाउन्स होते हैं, लोग फिर उनके पेपर को जीरो वैल्यू पे लेते हैं, उनसे नेट एसेट वैल्यू फिर कम होता है, फिर हायर रिडेम्पशन होता है, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी लोग इन्वेस्टर्स घबरा के अपना पैसा वापस लेते हैं, फिर ज़्यादा डिस्ट्रेस सेल होती है, लोग फिर एकदम हड़बड़ाहट में अपने एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स और पेपर्स को बेचते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी क्रेडिट इकोनॉमी है वो रुक जाती है, और उसके आसार पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। जब से ILFS का डिफॉल्ट पहली बार हुआ, तब से जो भारत की टॉप 20 NBFCs हैं, जो सबसे बड़ी 20 NBFCs हैं, उनमें 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टर्स वेल्थ जो है वो नष्ट हो गई है। ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ग्राफिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कंटेजियन क्या होता है और उसका असर क्या होता है पूरी इकोनॉमी में, मेरी और आपकी, हमारी वेल्थ पर। अब इस कंटेजियन को रोकने का ब्रह्मास्त्र क्या था? बड़ा सिंपल ब्रह्मास्त्र है कि आप ILFS को 30,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट लाइन दीजिए, उसमें एक सुपीरियर डेट या एक ऐसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनाइए जो कहता है कि मैं आपको 30,000 करोड़ रुपए देता हूँ, आप डिफॉल्ट करना बंद करिए, इससे क्रेडिट इकोनॉमी चलती रहेगी ना, हमारी और आपकी वेल्थ इसी तरह से डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन इसके एवज में जब आपके एसेट बिकेंगे तो सबसे पहले आप मेरा 30,000 करोड़, सरकार का 30,000 करोड़, टैक्स पेयर का 30,000 करोड़ वापस करेंगे, उसके बाद दूसरे क्रेडिटर और इक्विटी होल्डर को पैसा दीजिए। तो ये एक ब्रह्मास्त्र है जो कि यूज किया जाना चाहिए था। इससे जो कंटेजियन है वो एकदम रुक जाता, मार्केट शांत हो जाती, काम हो जाती, और उसके बाद जो ILFS का नया बोर्ड है वो आराम से बैठकर एक रेस्क्यू पैकेज बनाता, वो एसेट सेल्स करता, अगले कुछ महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में उन एसेट्स को बेचता, उससे जो पैसा आता सबसे पहले सरकार का, यानी कि मेरा और आपका, टैक्स पेयर का 30,000 करोड़ वापस होता, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स को चला जाता। इस तरह के ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से ये कंटेजियन रुक सकता था। पर देखिए बहुत ही अफसोस की बात है कि जो मोदी सरकार है उसने बहुत ही हाफ हार्टेड, आधे मन से एक्शन लिया, बोर्ड को बदल दिया, नई मैनेजमेंट ले आया, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र था, जो कि कैश का रिक्वायरमेंट था कंपनी का, वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो जो कंटेजियन है वो रुक नहीं रहा है। और ये हमारी जो $3 trillion की आज इकोनॉमी बन गई है, आज उसको वो डेंजर में है, उसमें इतना ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और क्यों हो रहा है, चंद हज़ार करोड़ रुपए की लायबिलिटी के लिए। तो ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर ये ब्रह्मास्त्र यूज़ नहीं हो रहा है सरकार से, तो ये मैटर ऑफ शेम है, लिटरली ये मैटर ऑफ शेम है।